दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको माइंड मैप डायग्राम बनाना सिखाने वाला हूँ। बेसिकली ये उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद वीडियो होगी जो लोग प्रेजेंटेशन वगैरह देते रहते हैं कंपनी में, ऑफिस मीटिंग होती हैं, मीटिंग के अंदर तरह तरह की चीज़ें उनको चार्ट वगैरह के थ्रू समझानी होती हैं। तो माइंड मैप डायग्राम क्या है आपको मैं स्क्रीन पर समझा देता हूँ और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर क्या किया है, यहाँ पर एक कंपनी मार्केटिंग प्लान लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जांपल ये लिया है मैंने कि हमारी कंपनी है और वो एडवर्टाइजमेंट करवाना चाह रही है, तो उसके हमारे मैनेजर ने एक प्लान बना के दिया है। अब वो जो मैनेजर है वो अपने प्लान को प्रेजेंट कर रहा है कि हम कैसे कैसे अपनी मार्केटिंग करेंगे प्रोडक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर इस पर आप देखेंगे एक प्लस का साइन बना हुआ है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, ऑफलाइन मार्केटिंग यानी कि हम मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग करना चाह रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। दो तरह की मार्केटिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस का निशान है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर ऑफलाइन मार्केटिंग हमारे पास पांच तरह की हमने ली है कि भाई हम एक न्यूज़पेपर में ऐड करवाएंगे, दूसरा है मैगजीन में करवाएंगे, होल्डिंग्स लगवाएंगे, बैनर लगवाएंगे और पंपलेट बंटवाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या क्या करना चाह रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन हम सेट कैसे करेंगे अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा पूरा, अभी मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ ये जो कि मैंने बनाया है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग के हमारे जो है छह हमारे पास प्लान है जो कि हम छह तरीके से हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। फेसबुक है, गूगल ऐड चलाएंगे, वीडियो मार्केटिंग करेंगे और ईमेल मार्केटिंग करेंगे, इंस्टाग्राम मार्केटिंग और पिंटरेस्ट मार्केटिंग। तो हमारे मैनेजर ने ये बोला कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में हम ये करने वाले हैं। अब इसके अंदर भी ऑप्शन है, देखिए फेसबुक का जो ऐड हम चलाएंगे यहाँ पर प्लस का साइन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन तरीके के मैंने ऑप्शन दे दिए हैं कि भाई फेसबुक का ऐड हम कैसे कैसे चलाएंगे, फेसबुक पिक्सल चलाएंगे, ठीक है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट ऑन पेज, स्पॉन्सर्ड पोस्ट ऑन ग्रुप्स। इसी तरह से मैं ऊपर कर लेता हूँ न्यूज़पेपर, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया ना फर्स्ट में न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर पर यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर और चार ब्रांचेस इसकी ओपन हो गई हैं, यानी कि न्यूज़पेपर हम किस न्यूज़पेपर में अपना ऐड देंगे, भाई दैनिक जागरण में देंगे और हिंदुस्तान टाइम्स में, द टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस और अमर उजाला, ठीक है। तो ये एक तरह से इसको हम, ये जो पूरा चार्ट है इसको हम माइंड मैप डायग्राम, माइंड मैप चार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस निकलती जाती हैं और हम सामने वाले को अपना प्लान जो है, जो भी हमारे पास डायग्राम है वो बड़ी तरीके से समझा सकते हैं। अगर हमारी कोई मीटिंग होती है तो वहाँ पर भी हम बड़ी इसको तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको माइनस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारा जो डायग्राम है ये बंद होता जाएगा, यहाँ पर मैं क्लिक करता जाऊँगा और ये देखिए हमारा जो डायग्राम है ये बंद हो गया है, देखिए प्रॉपरली पूरा बंद हो गया है। अब हमें दोबारा ओपन करना है तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, देखिए पूरा एक्सपेंड कर लेंगे और ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारे इसके अंदर टेम्पलेट बने बनाए होते हैं, चाहे तो आप वो यूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्टार्टिंग से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे eDrawMax सॉफ्टवेयर का। ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी eDrawMax पर और क्या क्या फीचर हैं इसके अंदर, वो सारे मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किए थे, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत तरीके के इसके अंदर चार्ट्स हैं और मैं एक चार्ट इसमें पकड़ रहा हूँ अभी और इसके ऊपर मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। जो आप पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आपको चार्ट वगैरह बनाने पड़ते हैं ना चीज़ें समझाने के लिए, तो आप यहाँ पर बनाकर उसमें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, जो इसका फ्री वर्जन है उसके अंदर आपको कुछ फीचर इसके बंद मिलेंगे, पहले आप फ्री वर्जन यूज़ करिएगा। अगर आपको लगता है कि भाई ये हमारे यूज़फुल है तो आप इसके पेड वर्जन में भी जा सकते हैं। पेड वर्जन में आपको सारे फीचर ओपन मिलेंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ पेड वर्जन में आपको। अभी ये कैंपेन चल रहा है गो पेपरलेस करके, ठीक है, तो ये 31 मार्च तक वैलिड है और 60% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसका लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर आप मेरे लिंक से जाते हैं तो आपको 60% यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो सब आपको जो है प्राइसिंग वगैरह मिल जाएंगी। eDrawMax की जो है प्राइसिंग ये है डिस्काउंट के बाद, ये मेन प्राइस है इसका, ठीक है। तो माइंड मास्टर जो भी आप लेना चाहें, इसके अलावा बंडल लेना चाहें तीन सॉफ्टवेयर का तो ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना और आपका जो है इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पर फाइल मेन्यू में हम जाएंगे तो यहाँ पर न्यू में जाने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पर चार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो ये अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर दिया था एक्सप्लेन। अब मैं आपको स्टार्टिंग से माइंड मैप डायग्राम कैसे बनाएंगे वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम न्यू में जाते हैं और यहाँ पर हम प्लस के साइन पर जो है क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट है, ब्लैंक पेज है वो आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मैं इसको बंद कर देता हूँ, इस तरह से आएगा। इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे लाइब्रेरी के ऑप्शन के अंदर और यहाँ पर हम लेंगे माइंड मैप, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सबसे लास्ट में माइंड मैप शेप,
इसको हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक किया, बाहर क्लिक किया, तो माइंड मैप शेप का एक एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब इसी से सारा काम होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, देखिएगा। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्लिक, बस ड्रैग एंड ड्रॉप है और पूरा चार्ट हमारा तैयार हो जाएगा वन क्लिक में। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले इसकी जो बैकग्राउंड है, ग्रिड लाइन है, ये हटा देता हूँ। तो व्यू में जाकर यहाँ पर मैं ग्रिड लाइन को हाइड कर देता हूँ, तो प्लेन पेपर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम पूरी तरीके से समझ पाएंगे, है ना। यहाँ पर मैं लेता हूँ रिपोर्ट्स का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हमारे फाइनेंशियल जो रिपोर्ट होती है, जैसे कि बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसकी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फाइनेंशियल रिपोर्ट, बहुत ईजी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि भाई दो ब्रांच इसकी बन जाए, यानी कि एक प्रॉफिट एंड लॉस की और एक बैलेंस शीट की। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करके ना, इसका जो शॉर्टकट है एंटर बटन हम दबाएंगे तो इसकी ब्रांचेस निकल के आ जाएंगी। मैंने दो बार एंटर दबाया तो दो ब्रांच इसकी बन के आ गई हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बैलेंस शीट या पी एल ले लेते हैं, प्रॉफिट एंटर। इसी तरह से पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ बैलेंस शीट एंटर, ओके। अब हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर हमारे दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसी तरह से बैलेंस शीट में एज लाइबिलिटी और एसेट साइड। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा और इसके अंदर मैं ब्रांच चाह रहा हूँ ना, तो इंसर्ट का बटन दबा दूंगा तो एक ब्रांच यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर मैं एंटर करूंगा तो दो ब्रांच में ये डिवाइड हो जाएगा। यानी कि पहला हम दे देंगे डेबिट साइड और यहाँ पर हम लेते हैं क्रेडिट साइड। देख रहे हैं आप कितनी ईजिली ये चार्ट बनता जा रहा है, क्रेडिट साइड, ठीक है। अब इसी तरह से बैलेंस शीट में दो साइड चाहिए तो इस पर क्लिक और इंसर्ट का बटन, और यहाँ पर हम ले लेते हैं लाइबिलिटी एंटर, और यहाँ पर क्लिक करके मैं एंटर दबा देता हूँ तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एसेट्स। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने समझाने के लिए, आपका आप अपने अकॉर्डिंगली सोच सकते हैं, अपने ऑफिस के अकॉर्डिंगली कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मतलब किस तरह का आप डायग्राम बना सकते हैं, वो आप अपनी अकॉर्डिंगली सोच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं लास्ट में क्या करूँगा, इसकी डिज़ाइनिंग सेट करना बताऊँगा आपको, ठीक है। अभी तो ये सिंपल सा बन रहा है। अब इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में हो गया डेबिट और क्रेडिट, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, डेबिट साइड में क्या क्या आइटम आएंगी वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। चलिए यहाँ पर मैं, अच्छा शॉर्टकट तो मैंने आपको बताई दिया, एंटर बटन और इंसर्ट बटन। यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से भी हम ले सकते हैं या माउस का यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन एंटर और इंसर्ट बहुत इजी है, ठीक है। तो डेबिट साइड में हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं पांच आइटम ले लेता हूँ, तो यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं इंसर्ट करूँगा, 1 2 3 4 5। तो डेबिट साइड में मुझे पांच आइटम रखनी है और क्रेडिट साइड में मुझे पांच आइटम रखनी है, एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारी आइटम होती हैं। इसी तरह से लाइबिलिटीज़ में यहाँ पर क्लिक किया मैंने, इंसर्ट किया और पांच बार एंटर किया, ये छह बार जो भी है आपको, जितने भी आपको आइटम चाहिए। इसी तरह से एसेट्स में मुझे ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर क्लिक, अच्छा यहाँ पर एंटर करते जाएंगे तो इसी ब्रांच के अंदर ऐड हो जाएगा, कंट्रोल जेड जेड, या फिर डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर इंसर्ट क्लिक किया और इंसर्ट और एंटर, ठीक है। तो इस तरह से जो है आइटम बढ़ते जाएंगे। अब मान लीजिए आपको यहाँ फाइनेंशियल रिपोर्ट में, ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ फाइनेंशियल रिपोर्ट में और आइटम चाहिए थे, यहाँ पर दो आइटम थे ना, दो, एक ये और एक ये दो, तो यहाँ पर क्लिक करके एंटर मार देंगे तो तीसरा आइटम जो है इसके नीचे आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना। एक और एंटर मारूँ तो चार आइटम आ जाएंगे, अब इस साइड में आ जाएगा, एंटर। तो इस तरह से ट्री बनता जाएगा। इसको मैं साइड से हटा देता हूँ ताकि पूरा पेज हम कवर कर पाएँ, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह से इसकी ब्रांचेज जो है ऑटोमेटिकली निकलती आती हैं, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। अब मैं इसको डिलीट करूंगा तो देखिए सारे आइटम ब्रांचेज के हिसाब से डिलीट हो जाएंगे। क्लिक किया डिलीट, क्लिक डिलीट, डिलीट डिलीट डिलीट, ये देखिए इस तरह से मैं क्लिक करता जा रहा हूँ और ये डिलीट होता जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ईजी है इसमें चार्ट बनाना। तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा हो गया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, डिलीट इसको, ये केवल समझाने के पर्पज़ से मैं इस तरह से ले रहा हूँ, अदरवाइज अपने अकॉर्डिंगली आप बनाएंगे कि इसमें क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। तो छोटा सा ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पर मैं डेबिट साइड में ले लेता हूँ भाई, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे हो गया एक्सपेंसेस होंगे, सैलरी एक्सपेंस हो गए, फॉर एग्जांपल सैलरी एक्सपेंस हो गया, रेंट हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारी, तो मतलब इसी तरह से आप अपनी जो भी आइटम है वो डाल देंगे बैलेंस शीट में भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी। तो यहाँ पर मैं सारी आइटम भरूंगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ उसकी डिज़ाइनिंग आप कैसे करेंगे, जो कि मेन चीज़ होती है। अगर आपने रिपोर्ट तो बना ली लेकिन उसकी प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा नहीं है तो वो रिपोर्ट बेकार मानी जाएगी। तो आपको प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए, उसकी बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट करना, ठीक है।
तो अब इसकी डिजाइनिंग वगैरह करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, इसको हम शो कर लेते हैं। ये हमने हाइड किया था, यहाँ माइंड मैप के जो है ऑप्शन दिए गए हैं, काफ़ी सारे ये मेन्यू वगैरह हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इनके यूज़ हैं। यहाँ पर हम स्टाइल में जाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पर क्लिक करके हमारे पास बने बने स्टाइल जो है मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, तो ब्लैक बैकग्राउंड है और इस तरह का स्टाइल यहाँ पर आ गया है। तो अगर आप बने बनाए यूज़ करना चाहें तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है, ये देखिए। तो अलग अलग तरीके हैं सबके, लेकिन हम यहाँ पर पूरा प्रॉपर बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल ए कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम इसकी शेप जो है चेंज करेंगे। सबसे पहले शेप का कलर चेंज करेंगे, तो यहाँ पर ये जो हमारी शेप है हम इसको ब्लू ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह का हो गया। अब हम इसका जो टेक्स्ट का कलर है, पहले इसको टेक्स्ट कलर हम वाइट दे देते हैं ताकि हमें लिखा हुआ समझ में आए। तो यहाँ पर हम जाएंगे होम टैब के अंदर, और यहाँ पर हम ये जो कलर है इसका फॉन्ट का, ये वाइट ले लेते हैं, या फिर ये वाला, चलिए ये वाला ले लेते हैं येलो, ठीक है, ये भी काफ़ी ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी जो शेप है वो कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारे जो है कलर वगैरह आ जाएंगे। कंट्रोल ए करेंगे दोबारा से, और यहाँ पर हम इसकी जो शेप है इसको थोड़ा इस तरह से गोलाई में ले लेंगे, ये देखिए। तो इस तरह से हमारी ये जो शेप है ये आ जाएंगे, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बने बनाए इसके कलर भी हैं, अगर आप ये लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसके शेप के अपने कलर देता हूँ। अब हम इसको कंट्रोल ए कर लेते हैं, और सबसे पहले मैं आपको नीचे वाला ऑप्शन बताता हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम सभी जो हमारे ये आइटम है इसके अंदर हम कोई सा आइकन लगाना चाह रहे हैं या फोटो लगाना चाह रहे हैं, वो कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और देखिए सभी के अंदर जो है ये आइकन जो है ऐड हो जाएंगे। दूसरा आइकन डालना चाह रहे हैं, तीसरा डालना चाह रहे हैं, ये देखिए सारे आइकन बढ़ते जाएंगे। हटाना है तो उसी पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो आइकन है वो हट जाएंगे, ठीक है, जो भी आपको आइकन लगाना है इस तरह से। या फिर आप चाह रहे हैं कि भाई सब पे नहीं लगाना, केवल एक पे हमें लगाना है, तो मान लीजिए मैं इस पर लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं इस पर ये वाला अप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम ये नहीं लगाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं स्टार आ जाए, तो यहाँ पर इस पर हम स्टार अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे वाले पर दूसरा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको वन यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, वन, और यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने टू इसको प्रायोरिटी दे दी, ठीक है, तो वन टू। इस तरह से हम फ्लैग भी लगा सकते हैं, फ्लैग लगाना चाहें, माने मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करके फ्लैग ये वाला, और इस पर क्लिक करके ये वाला फ्लैग, ठीक है। इमोजी लगाना चाह रहे हैं, ये फेस इमोजी जो आती हैं जो व्हाट्सएप वगैरह में होती हैं, तो इस तरह से आप ये भी लगाना चाहें, ये भी आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें दे रखी हैं, और एक से ज़्यादा आइटम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये भी ले लेता हूँ, स्टार भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ठीक है, ये देखिए, जो भी आप लेना चाहें तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद एरो लगाना चाहें, मैं इस पर अप्लाई करता हूँ एरो, यहाँ क्लिक किया, ये देखिएगा, ठीक है, और कंट्रोल ए करके करेंगे तो सब पे एक ही आइकन अप्लाई हो जाएगा। अब आप चाह रहे हैं इसमें एक फ़ोटो भी आ जाए, है ना, तो हम फोटो अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस वाले में फोटो अप्लाई कर लेते हैं और स्टार हम हटा देते हैं। तो फोटो कैसे इंसर्ट होगा, आप यहाँ पर शेप्स में जाएंगे ना, यहाँ पर ये फोटो का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आप फोटो आइकन वगैरह जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर माउस का मेरा फोटो है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और अब यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया। अब इसको जितना भी छोटा करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, और ये उसी हिसाब से जो शेप है वो एडजस्ट हो जाएगी, ये देखिए। अब इसको मैं अपने अकॉर्डिंगली जो है लेफ्ट राइट भी कर सकता हूँ इस फोटो को, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ये देखिए टॉप पर आ जाएगी, बॉटम पर आ जाएगी, तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये शेप इमेज जो है ये नहीं चाह रहा हूँ, तो यहाँ क्लिक किया और डिलीट कर देते हैं, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ ये वाला एरो आ जाए, तो यहाँ पर ये सेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर व्यू में जा करके और इसकी जो पेज लेआउट में जा करके यहाँ पर बैकग्राउंड वगैरह अपने अकॉर्डिंगली ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। अब हम कंट्रोल ए करके इसकी जो शेप की आउटलाइन है हम वो चेंज कर लेते हैं थोड़ा, तो आउटलाइन का कलर है हमारा, इसको हम ये वाइट दे देते हैं। अब एक काम और करते हैं, ये जो ब्रांचेज हैं इस तरह से जा रही है ना, इसको भी हम मोटा पतला या एडजस्ट अपने कलर वगैरह अपने हिसाब से कर सकते हैं। कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये ब्रांच की मोटाई है, ये देखिए इस तरह से बढ़ जाएगी, और पतला करना चाहें ये इस तरह से, और ये देखिए जितनी मोटी पतली जितनी भी आप एडजस्ट करना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं, ये देखिए। और इसके अंदर कंट्रोल ए करते हैं और ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर ये एरो, ये पॉइंट है ना, ये लास्ट के एरो जो है ये एरो आ जाएंगे, ये डॉट आ जाएगा, इस तरह से आ जाएंगे, और इसमें हम इसकी जो ब्रांचेस की मोटाई है यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। डॉटेड चाहिए हमें तो डॉटेड भी हम ले सकते हैं। कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से हम इसका होम में जा करके इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो बढ़ा देते हैं थोड़ा, ठीक है, और यहाँ पर हम इसका जो फॉन्ट है उसका भी स्टाइल थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये एरियल ब्लैक ले लेते हैं,
अब देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं। जैसे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके अंदर दो चीजें हैं, डेबिट और क्रेडिट है, ठीक है। इसी तरह से डेबिट में हमने पांच या चार आइटम लिए हैं, क्रेडिट में चार या पांच आइटम जो भी है। तो अब यहां पर चाह रहे हैं कि यहां पर काउंटिंग आ जाए ऑटोमेटिकली। तो अब यहां पर मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहां पर मैं इस ऑप्शन पर जाऊंगा, यहां पर मैं 1, 2, 3 पर क्लिक करूंगा तो यहां पर ऑटोमेटिकली 1 और 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब मैं डेबिट के आइटम में 1, 2, 3 लाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर डेबिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करके 1, 2, 3 दे देंगे तो ऑटोमेटिकली 1, 2, 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, काउंटिंग आ जाएगी। हमें यहाँ पर मैनुअली डालने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसी तरह से यहाँ पर क्लिक करके मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इस तरह से देना चाह रहा हूँ, ये देना चाह रहा हूँ, ABC देना चाह रहा हूँ, तो जो भी आप लेवल इसमें देना चाहें, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं तो यहाँ पर वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1, 2, 3 इस तरह से दे देता हूँ। अब मैं Ctrl+A करके इसकी जो शेप की आउटलाइन है उसको भी मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ये वाली, ठीक है। अब और ये इफेक्टिव यहाँ पर हो जाएगा, देखिए। और इसके अलावा हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम और चीज़ें आइकन वगैरह सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लाइब्रेरी में जाएंगे इसके अंदर, और यहाँ पर माइंड मैप में जा करके मैं ये वाली जो है शेप्स वगैरह ले लेता हूँ, ये वाली। और यहाँ पर काफ़ी सारे हैं और अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, देखिए कार्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, सब तरह के यहाँ पर क्लिप आर्ट वगैरह इमेजेस दे रखी हैं छोटी छोटी। तो ये आप अपने डायग्राम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ ये बल्ब यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर क्लिक किया और इसको हमने ड्रैग कर लिया, तो इस तरह से ये आ जाएगा। दूसरा हम कुछ और चीज़ चाह रहे हैं, मान लीजिए इसके अंदर मैं ये लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसके अंदर ये लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इसको छोटा बड़ा हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं और जो है अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं और मतलब अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ताकि जो सामने वाला है वो इम्प्रेस हो जाए। क्योंकि मीटिंग में क्या होता है, चीज़ों को प्रेजेंट करना ही मेन होता है, कि आपके पास जो प्लान है वो कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, चीज़ें लोगों को समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये चार्ट हम किसी और सॉफ्टवेयर में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल है, वर्ड है या कोई कुछ और है। तो फाइल मेन्यू में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट एंड सेंड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर PDF बना सकते हैं, ग्राफिक ऑफिस में आप वर्ल्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, HTML, SVG जो भी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सेल में एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ, Diagram 3 के नाम से आ गया, चलिए सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो चार्ट है वो एक्सेल में आ चुका है। अब हम इसको डबल क्लिक करके जो है एडिट भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी हम एडिट करना चाहें। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ सैलरी, ठीक है, तो ये देखिए चेंज हो गया है। तो और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत सारे टेम्पलेट बने बनाए हैं, तो आप चाहें तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से इसको डाउनलोड करके यूज़ ज़रूर करिएगा। और इसमें दोनों वर्जन है, पेड वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी है, फ्री में भी काफ़ी सारे आपको ऑप्शन जो है यूज़ करने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियोस लाता रहूं। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपको eDrawMax सॉफ्टवेयर के ऊपर और भी वीडियोस चाहिए, तो मैं बिल्कुल बना करके आपके लिए प्रेजेंट करूंगा, ताकि ये आपके चार्ट वगैरह, फ्लो चार्ट, ये जो भी आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं और भी ईजी हो जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।